गुमला विधायक भूषण तिर्की सोमवार को डुमरी प्रखंड के बागमारा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्री तिर्की ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान जो भी वादा किया था उसे वो निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में 1932 खतियान लागू किया है, जिससे झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों को लाभ मिलेगा। मैं यहां आदिवासी और मूलवासी को जल जंगल जमीन से बेदखल होने नहीं दूंगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कत्ल करना पड़े तो हम कत्ल करेंगे, लेकिन आदिवासी को हम बेचने का काम नहीं करेंगे। ये हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों कहने का काम किया। आज झारखंड ऐसे राज्य के आदिवासी मूलवासी को बचाने का काम इस राज्य में जितने भी सरकारें आई, कोई सरकार यहाँ के आदिवासी को बचाने का काम नहीं किया। सारे के सारे लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को खून चूसने का काम किया, यहाँ के आदिवासियों को तड़पाने का काम किया, यहाँ के आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का काम किया, यहाँ के आदिवासियों को विवश होकर के मरने के लिए छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से आदिवासी मान सम्मान के साथ सर उठा करके चल रहा है, कह रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन है, हेमंत है तो हिम्मत है। ये हिम्मत जुटा करके ये राज में आदिवासी चलने का काम और मूलवासी कर रहा है। आज यहाँ इस राज को बर्बाद करने के लिए, इस राज के रहने वाले आदिवासी को जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा सोच है, और उस सोच को हमको आपको नेस्ताना बूंद करना है। अगर उसकी सोच को हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की सोच को हम लोग समाप्त नहीं किए, तो भारतीय जनता पार्टी ये हिंदूवादी पार्टी के लोग हम लोगों को समाप्त कर देगा। इसलिए यहाँ के आदिवासी मूलवासी आज राज की रक्षा करने का काम, झारखंड अलग राज कर देने का काम शिबू सोरेन ने किया है, और झारखंड राज मिला तो झारखंड राज को सजाने और संवारने का काम उसी का बेटा हेमंत सोरेन करेगा। इसलिए आप सभी लोग से मैं कहना चाहूंगा कि आज के तारीख में बहुत साजिश रची जा रही है, बहुत साजिश हो रहा है कि कैसे जो हमारा एक इतिहास है, रोहतासगढ़ से हम आए हैं ये कहते हैं, रोहतासगढ़ से आए हैं ये इतिहास हमारा कहता है कि हम रोहतासगढ़ से आए हैं, लेकिन रोहतासगढ़ भी हमारी इतिहास है कि हम लड़ाई तो नहीं लड़े, लेकिन लड़ाई हमारी महिलाएं लड़ी थी, और कैली देवी और सिंगनी दाई हमारी महिला नेत्री लोग उस रोहतासगढ़ में लड़ाई लड़ी थी आदिवासियत की रक्षा के लिए, आदिवासियत के लिए। हम नौजवान, हम पुरुष का क्या स्थिति था रोहतासगढ़ की इतिहास पढ़ने के बाद पता चलेगा। इसलिए एक बार हमारा आदिवासी के इतिहास है कि हम रोहतासगढ़ से भगा दिए गए हैं, और रोहतासगढ़ से आज हमारा रोहतासगढ़ में सिर्फ किला ही बचा है, रोहतासगढ़ में आदिवासी का नामो निशान नहीं है। आज आदिवासी का नामो निशान है तो ये झारखंड में है, और इस झारखंड का भी नामो निशान भारतीय जनता पार्टी मिटा देना चाहती है, और झारखंड के आदिवासी को समूल नष्ट कर देना चाहती है। पिछली सरकार जब आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो पिछली सरकार ने कहा था कि आदिवासी का जमीन जो CNT Act SPT Act का जो कानून है, इस कानून को भी हम खत्म कर देंगे, लेकिन झारखंड के आदिवासी गोलबंद होकर के विवश किए झारखंड के रघुवर दास की सरकार को, और विवश करके ये आदिवासी समझ गए कि ये रघुवर दास जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यहाँ के आदिवासी को समूल नष्ट कर देगा। लेकिन आज उसी की रक्षा करने के लिए इस राज्य में आम जनों का, ऊपर वाला का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद हेमंत सोरेन की सरकार को मिला, और हेमंत सोरेन आज सरकार में है, और सरकार में रहने के बाद आज आप देख रहे हैं कि आज इस राज्य में कैसे हेमंत सोरेन को, कैसे हेमंत सोरेन की विधायकों को कैसे पैसे दे दे करके, लोभ लालच दे करके सरकार गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिश रचने का काम कर रहा है। आज झारखंड में
आज यहाँ के विधायकों को खरीद फरोख्त करके ये भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को समूल नष्ट करने के साजिश के लिए यहाँ के विधायकों को खरीदने का काम कर रही है और हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने का एक साजिश रच रहा है। चूंकि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री को ये हिंदूवादी और आरएसएस की शक्ति, आरएसएस जैसे लोग देखना नहीं चाहते हैं कि कैसे इस राज्य में एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बन बैठा है। इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री को गद्दी से उतारने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह की साजिश रच रहे हैं। भारत देश में बहुत ऐसा राज्य है, बहुत ऐसे राज्य में देखेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार को गिराने का काम किया। यहाँ से छत्तीसगढ़ पार करके जाएंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का काम किया और सरकार गिराने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। यही नहीं, कर्नाटक आगे चले जाएंगे तो कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीदने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का काम किया। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का काम किया। यही नहीं, पूरे देश में कई एक ऐसा राज्य है जिन राज्यों में ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को खरीद करके सरकार बनाने का काम किया और झारखंड की जल जंगल जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा पैनी नजर है और उस पैनी नजर के तहत ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है जिन जिन इलाके में आदिवासी रचे बसे हैं उन इलाकों में जमीन के अंदर में खजाना छुपा हुआ है और ये खजाना का पता वो पूर्व की सरकार ने लगा चुका है कि आदिवासी को जमीन से हम बेदखल करेंगे और सारा खजाना का मालिक हम बनेंगे। हमको आपको पता नहीं है कि जिस धरती के ऊपर हम खड़े हैं इस धरती के नीचे में कितना सोना है, कितना खजाना है, कितना बॉक्साइट है, कितना मिट्टी तेल है, ये आपको हमको नहीं मालूम है। लेकिन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से उड़ करके आते हैं और वहीं से दूरबीन लगा करके देखते हैं कि झारखंड राज्य में रहने वाले आदिवासी मूलवासी के बीच में जहाँ आदिवासी मूलवासी जहाँ जहाँ जल जंगल जमीन में बचे हैं उस इलाके धरती के नीचे में खजाना छुपा हुआ है और इस खजाना को हम कैसे लूटेंगे। जब तक आदिवासी को जल जंगल जमीन से हम बेदखल नहीं करेंगे उस खजाना का हम मालिक नहीं बन सकते। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी का। तो आप जरा बताओ कि हम जल जंगल जमीन से क्या हम बेदखल होंगे? तो आप लोग जरा बताओ, हम बेदखल नहीं हो सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के वो सपनों को साकार होने नहीं दे सकते हैं। हम झारखंड के रहने वाले आदिवासी मूलवासी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को छोड़ नहीं सकते हैं, हम भुला नहीं सकते हैं कि झारखंड को हमारा गांव से बाहर चले जाओ, हमारे इलाके से बाहर चला जाओ, हमारा शिबू सोरेन आ रहा है, हमारा हेमंत सोरेन आ रहा है, हम उसी का इंतजार में हैं। चूंकि झारखंड को अलग राज करने का काम अगर किसी ने किया है तो शिबू सोरेन ने किया है। झारखंड में आदिवासी को मान सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो हेमंत सोरेन ने किया है। अगर कोई किया है तो आप बता दो कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी को किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो बताइए। किसी ने सम्मान देने का काम नहीं किया, किसी ने आदिवासी को इज्जत और आदर सत्कार देने का काम नहीं किया। यहाँ के आदिवासी को सिर्फ तिरस्कार करने का काम किया। यहाँ के आदिवासी भोले भाले लोगों को अपने बस में लेकर के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया। इसलिए अब हम सभी लोगों को धोखे में रहना नहीं है, धोखे में जाना नहीं है, क्योंकि हमारा इस राज्य में एक नया नौजवान का जन्म हो गया है, नया नौजवान आ गया है, हेमंत सोरेन आ गया है। इसलिए इस राज्य में इस राज्य को बचाना है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बचाना है तो हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाना पड़ेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए फैसला लेना पड़ेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए हमको सोच विचार रखना पड़ेगा। क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन का बाप ने झारखंड अलग राज किया और जैसे ही यह सत्ता में आने के बाद ये नेतर हार्ट फील्ड फायरिंग का प्रभावित इलाका है ये।
और 1964 से 1964 से नेतरहाट फील्ड फायरिंग में गोला बारूद और तोप और मिसाइल और युद्ध अभ्यास मिलिट्री लोगों का ये युद्ध अभ्यास करने के लिए तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि झारखंड को अगर कोई बचा सकता है तो वो एक आदमी है शिबू सोरेन और एक उसका बेटा है वो हेमंत सोरेन, वही झारखंड को बचा सकता है। और अगर झारखंड में हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन नहीं बचा तो झारखंड के आदिवासी खत्म हो जाएंगे, झारखंड के आदिवासी की अस्मिता यहाँ के जल जंगल जमीन से हम बेदखल हो जाएंगे। इसलिए भाइयों साथियों आदिवासी भाइयों बहनों आप लोग दिल थाम करके रखिएगा कि झारखंड को लूटने से हम लोगों को बचाना है। और हम जो सपना देखे हैं कि सुंदर झारखंड अच्छा झारखंड हमर झारखंड हीरा बरवे छछाड़ी इलाका छोटा नागपुर झारखंड इलाका को हम आदिवासी को बचाना है रक्षा करना है। हमारा इतिहास है ये रोहतासगढ़ से कि रोहतासगढ़ में यहाँ के आदिवासी पुरुष भी मात खा गए थे लेकिन आदिवासी महिला मात नहीं खाई थी, आदिवासी महिला उन राजा महाराजाओं को मात खिला दी थी कि ये आदिवासी से लड़ोगे भिड़ोगे तो मर मिट जाओगे समाप्त हो जाओगे, ये आदिवासी ने ललकारा था और अपनी तलवार की धार से सब लोग को समाप्त कर दिया था। ये रोहतासगढ़ की इतिहास में है। आदिवासी इतने शक्तिशाली था, आदिवासी इतना ताकतवर था, आदिवासी इतना मजबूत खंबा वाला लोग था, समाप्त कर दिया था। इसलिए मैं आदिवासी भाइयों और बहनों से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग बिकना मत टूटना मत विचार बदल। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।